तो ये देखो मेरे फ़ोन की हालत देखो क्या हो गई है। मतलब पूरी डिस्प्ले थोड़ी देर में पूरा बंद होने वाला है ये फ़ोन। ऐसे मूड की ऐसी जैसी हो गई है, क्यों पूछो मत बस। तो इन्होंने मेरी पब्लिक के लिए 3 गिवअवे निकाले। हेलो सलाम नमस्ते। तो कैसे आप सब, मैं होप करता हूँ कि आप अच्छे ही होंगे हमेशा की तरह। तो जैसा आप सभी को पता है कि भवंडर आ चुका है, सॉरी मतलब ठंड आ चुकी है पूरी YouTube कम्युनिटी को, सॉरी। ऐसा पहली बार हुआ है ऐसे कि मतलब यूट्यूबर्स के खिलाफ गाना निकला YouTube पे। यार सोनी मोनी पे निकालते मेरे भाई, कोई नहीं रोस्ट नहीं है, छोटा सा मतलब ऐसे बस बता रहा था भाई। 5-6 मिलियन वो है व्यूज़, मजाक में ऐसी हो गए हैं व्यूज़। बताओ यार, हमारे भी बता दो यार व्यूज़। मैं भी कुछ लगता है भवंडर वंडर निकालना पड़ेगा मेरे को भी। तो खैर छोड़ो, वो तो अलग ही चीज़ है। तो फिलहाल ठंड आ चुकी है, ठंड के लिए तो मेरे पास जैकेट है, उसमें थोड़ा सा वो उसमें मेरे को पॉलिश लगवानी है, उसको चमकवानी है। उसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा जैकेट मार्केट, जहाँ पे बहुत सारी जैकेट्स मिलती है। वीडियो मैं बना चुका हूँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो यहीं कहीं मैं आई बटन या फिर मतलब मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ, जाके देख लेना। तो सीन फिलहाल अभी ये बन रहा है कि सूरज भाई को भी कोई जैकेट्स वगैरह लेने, वो कह रहे हैं कि मैं भी आ रहा हूँ वहाँ से, तो वो भी मिल रहे हैं। तो अभी हम फिलहाल जा रहे हैं जैकेट्स वगैरह देखने, और आगे देखते हैं अभी कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं, अभी कुछ नहीं पता। बस फिलहाल तो पहला काम है जैकेट्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठंड के लिए, और लेदर जैकेट बहुत ज़्यादा सही होती है। आप सभी को होता है बाइक वगैरह पे हम ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, बाहर ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, तो बाइक में ऑटो पे और वैसे भी मतलब जिस हिसाब से ठंड हो रही, ज़्यादा कपड़े पहनने की जरूरत नहीं पड़ती, टी शर्ट पहनी और लेदर की जैकेट डाल लो, ओके। तो ये सीन है। तो अभी फिलहाल चलते हैं, और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, सारे सीन जितने भी बैठते हैं जो भी अंडर आता है इंस्टाग्राम पर मैं सब डाल देता हूँ, तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, आईडी आ रही होगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने भरा हुआ है। तो आगे चलते हैं। देखो फोन की ऐसी तैसी हो गई है जस्ट अभी आकाश भाई के फ़ोन की, कैसे मूड की ऐसी तैसी हो गई है, क्यों पूछो मत बस यार। मतलब क्या बोल रहे हैं यार, पंचर हुआ उसके साथ ही फ़ोन गिर गया, और ये मतलब टायर पंचर हुआ, तो बाइक हमारी जो स्कूटी है थोड़ी सी डिसबैलेंस हुई, उसी के चक्कर में हाथ से छूट के गिराई डैम से, और ये ऐसा ही गिरा बिल्कुल। और ये धीरे धीरे लाइन थोड़ी बड़ी होती जा रही है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never. भैया उसमें भी कह रहे हैं 100 रुपए लेंगे हम। ये रुक नहीं रहा भाई, इसमें ट्यूब लगवाना पड़ेगा। क्या? पंचर बन नहीं रहा है, इसमें ट्यूब लगवाना पड़ेगा। तो गाइस आज का दिन कुछ स्टार्ट तो ठीक ही हुआ था, बट ये देखो मैं आया था कुछ काम से, मैं और सूरज भाई हमारे मित्र, और मतलब एक साथ थैंक भाई मुबारक हो, ये मेरा फ़ोन हो गया 11,000 महंगा, गिफ्ट मिल गया है, गिफ्ट मिल गया सुबह सुबह। और एक तो हम गिरते गिरते बचे, उसके बाद फिर मतलब अगर फ़ोन नहीं गिरता तो हम गिर जाते, लोग गिरते मेन रोड पे ही, मेन रोड पे वो तो चलो ठीक है, फ़ोन तो ठीक हो जाएगा, बट हम अपने आप को हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं है, ऐसा उनको दिलासा दे रहा हूँ, बट मुझे पता है कि मेरे को कैसा फील हो रहा है। और ये जो व्लॉग भी जब शूट हो रहा है सूरज भाई के फ़ोन से हो रहा है, तो थैंक यू सो मच सूरज भाई, ये और ये हमारे फैन आ चुके हैं, है ना। तो देखते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं, और एक सर्विस सेंटर वगैरह में पता करा है, पता करते हैं क्या है क्या नहीं। तो उसकी वैसे तो सर्विस सेंटर में पता करा है, हमने 11,000 की डिस्प्ले बता रहा है, यानी कि मेरा 10-11,000 फ़ोन महंगा हो गया है। देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं, अभी कुछ तो करेंगे। और अभी फ़िलहाल हमारे सामने एक किला है, ये पता नहीं कौन से राजा का किला है। सूरज भाई मेरा फ़ोन ठीक करवा दो, कराएंगे बातचीत करा दें आपकी, मैं अपनी किडनी बेचने को तैयार हूँ। नया कल ही मैं बात कर रहा था नया फ़ोन लेने की, मेरा भाई कह रहा अपना फ़ोन मेरे को दे दे, और अभी ऐसा सीन हो गया। और अभी मैं बात ही कर रहा था कि मैं कि फ़ोन लूँ या कैमरा लूँ, बट अब तो चौपट हो गया और फ़ोन ही लेना पड़ेगा अब तो मेरे को लग रहा है। चौपट और पोपट दोनों। और अब देखते हैं अगर कोई हेल्प कर सकता, अब तो क्या पता तब तक ये ब्लॉग आ रहा हो मेरा फ़ोन, या नया आ गया हो या उसी में, खैर नए का तो अभी बजट है नहीं, पर डिस्प्ले डलवाएंगे इसी में ही। गरीब आदमी को झटका लग जाता है, गरीब मैं गरीब हूँ, दिल से बुरा लगता है। भाई को एक बड़ी बेहतरीन जगह लेके आया हूँ, सूरज भाई लेके आए, मतलब मैं लेके आया हूँ, सूरज भाई को कुछ कलेक्शन लेना था, बाकी जो वीडियो वो सूरज भाई के चैनल पे आएगी, जिसने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना, सूरज दिल्ली वाला, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, अगर इंस्टाग्राम पे अभी फॉलो नहीं करा है। मूड बहुत खराब है आज, फिर भी आपके लिए ब्लॉग बना रहे हैं, क्या करे करना पड़ता है। A few moments later.
सो गाइस अभी फिलहाल मैं आ गया था घर और बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है। अभी मैं अपने पापा के फ़ोन से शूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई सेकेंडरी फ़ोन है ही नहीं जिससे मैं मतलब मेरा काम चल सके। अभी मेरा फिलहाल इंस्टा मतलब इवन मेरा सिम मैसेज वगैरह सब बंद है और घर वाले बहुत परेशान हो गए थे। वैसे मैंने उनको बता दिया था बट फिर भी थोड़ा लेट हो गया मैं क्योंकि मैं सोच रहा था आज डिस्प्ले डलवा लूँ। मैंने दो तीन जगह पता भी करा वन प्लस के शोरूम में करोल बाग भी गया था डिस्प्ले के चक्कर में बट फिर वहाँ पर थोड़ा मेरे को सही नहीं लगा डलवाना क्योंकि वहाँ कुछ भरोसा नहीं है कैसी है क्या है। हाँ काम चलाने के लिए आप डलवा सकते हो, कई बार चीज़ें सही भी निकल सकती है। हमारे आगे ही दो डिस्प्ले ख़राब निकली थी इस वजह से। पहले मैं सोच रहा था यार सस्ते में जुगाड़ दे, फिर मैंने सोचा कि नहीं यार सस्ते में जुगाड़ नहीं करना। ये फ़ोन मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरे बहुत करीब है क्योंकि मैंने फ़ोन खुद से लिया था, अपने आप ख़रीदा था, तो इस वजह से बहुत फ़ोन मेरे बहुत क्लोज है। मैं चाहता तो मतलब जिस रेंज में मैं अभी ठीक करा रहा हूँ उसमें शायद छोटा मोटा नया फ़ोन आया था बट मेरे को बहुत अच्छा डिस्काउंट कैशेफाई वालों ने दे दिया तो मैंने फ़िलहाल अपना फ़ोन कैशेफाई पे डाल दिया है। तो उसको कल लेके जाएंगे और जो मेरे को जो पास पड़ रहा था जहाँ पे मेरे को डिस्प्ले मिल रही थी शायद कल में वो लोग ठीक कर देंगे और बंद करने वाले थे ऑलमोस्ट वो, बट फिर भी जैसे तैसे करके मैं डाल के आ गया। तो वहाँ पे कल चलेंगे फ़ोन लेने और यार बहुत बुरा लग रहा है यार, मैं इतना संभाल के रखता हूँ फ़ोन उसके बावजूद भी गिर गया। कुछ गलती मेरी भी है कि मैंने कवर भी चढ़ाया हुआ था, सब कुछ कर रखा था, उसके बावजूद भी फ़ोन मेरा गिर गया। बट देखते हैं जो होना था तो वो तो हो ही गया। अभी कल लेने चलेंगे फ़ोन, उसके बाद देखते हैं उसमें क्या क्या खर्चा आता है, कितना खर्चा आता है कितना नहीं। वैसे ठीक ठाक मतलब मेरे को दूसरे को कंपेयर मेरे को कैशेफाई ने बहुत अच्छा डिस्काउंट दे दिया। कल का वेट करते हैं कि क्या होता है क्या नहीं कल, और मेरा फ़ोन बस ठीक हो जाए यार, मेरे को क्रेविंग हो रही है फ़ोन चलाने की, कल का वेट तो करना पड़ेगा उसके लिए। सो गाइस अभी फ़िलहाल जैसे आप सभी को पता है कि मेरा फ़ोन टूट गया था और मैंने अपना फ़ोन कैशेफाई पे रिपेयर करने के लिए दिया था, तो अभी मैं अपना फ़ोन लेने जा रहा हूँ, देखते हैं कि रिपेयर हुआ है नहीं हुआ है। और मैं अभी दूसरे फ़ोन से शूट कर रहा हूँ। भैया मैं यूट्यूबर हूँ, मेरा नाम आकाश है, मैं व्लॉग बना रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलो ठीक है भैया, मेरा फोन हो गया जी, आपका फोन। अच्छा, देख भैया दिखा दो एक बार, रिपेयर हो गया। तो अब कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना इसमें? इसमें वारंटी वगैरह कुछ दे रहे हो? इसमें सिक्स मंथ की वारंटी होती है, वन मंथ का ब्रेकेज वारंटी। अच्छा, वन मंथ के अंदर वन टाइम अगर आपका एक बार ब्रेक हो जाता है तो हम आपका रिप्लेस करते हैं पूरा डिस्प्ले। अच्छा जी। तो भैया जैसे रिपेयर के अलावा और क्या क्या होता है हमारे पास? रिपेयर के अलावा आप सेल कर सकते हो। अच्छा। परचेज कर सकते हो और एसेसरी पे भी आप एसेसरी परचेज कर सकते हो यहाँ पे। अच्छा। इसमें वन ईयर की वारंटी होती है बोट और JBL के हमारे पास। तो ये सारे ओरिजिनल है? जी सर। वारंटी कार्ड वगैरह सब देते हो आप? जी सर। तो एक बार देख लो, एक बार इनके पास सारी एसेसरीज मिल जाती है और जिसपे अप टू 70% ऑफ है। और भैया जैसे आप बताते हैं आपके पास यूज्ड फोन भी होते हैं, तो एक बार मेरे को फोन दिखा दो आपके पास कौन कौन से अवेलेबल है। जी सर, आपको फोन मिल जाएगा ये आईफोन एक्स मिल जाएगा। तो ये कितने का है भैया? जी सर आपको मिल जाएगा 25,000 का। इसमें कितनी बैटरी परसेंटेज की? बैटरी परसेंट सर आपको ये मिल जाएगा 90%, 80 से 90 के बीच में। तो इसमें कितनी वारंटी है? इसमें 6 मंथ की वारंटी होती है, 1 मंथ का रिप्लेसमेंट वारंटी। तो वो कैशेफाई की तरफ से या फिर इनकी वारंटी? सर कैशेफाई की तरफ से होता है, कुछ फोन ऐसे होते हैं जिसमें एप्पल वारंटी। अच्छा, अरे वाह क्या बात है। 12 प्रो है ये 12 प्रो मैक्स। ये कितने का है? 128 GB सर, 2 मंथ पुराना है ये। ये 2 महीने पुराना है। और इस पे कितनी क्या बोलते हैं कितनी वारंटी है इस पे? तो अभी तो सर एप्पल से भी वारंटी है प्लस हमारी कैशेफाई से तो मिली है आपको 6 महीने की वारंटी। तो एकदम नया है ना? जी। कितने का है ये? ये सर आपका 82,000 का। इसके प्लस आपका एक बोट का 138 आपको फ्री मिल जाएगा। इसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी? मार्केट वैल्यू सर इसकी है 1,25,000। और आप कितने का दे रहे हो? ये सर 82 का। 82,000 का, वाह यार। आपको वही मिल रहा है कि 50-45,000। और ये कितने का है? ये भी एक्सेल सर। ये भी है कितने का है? ये सर 256 GB, 30,000 का है। और इसमें कितनी परसेंटेज बैटरी? ये 90%। अच्छा, वीवो वगैरह के भी रखते हो? जी सर, ये आपका वीवो का Y15 है। ये कितने का है? 8,000 का है। टेम्पर्ड वगैरह भी लगाते हो? कॉस्ट होता है अगर आप कोई भी फोन परचेज करते हो तो उसके साथ हम। तो अभी जैसे मेरे फोन की स्क्रीन टूटी है उस पर टेम्पर्ड लगा के तो दे दोगे ना? ऐसे तो नहीं लोगे ना? अच्छा ठीक है। तो मैं कुछ और फोन्स भी देख रहा हूँ, ये देखो गोल्ड, ये कितने का है भैया? एक्सेस है सर,
256 GB आपका ये 34 का है, इस पे फ्लैट डिस्काउंट 5% और इसकी मार्केट वैल्यू अभी क्या चल रही है? मार्केट वैल्यू तो अभी अगर ओरिजिनल देखोगे तो 85 तक आएंगे। ये आप कितने का दे रहे हो? 30,000 का? 34 का। 34 का OnePlus वगैरह भी? OnePlus 9R ये कितने का है? जी सर आपका मिल रहा है 29,000 का। 29,000 का। तो इस पे वारंटी है? जी सर इसमें आप OnePlus से भी वारंटी है। OnePlus से भी वारंटी है। उसकी मार्केट वैल्यू क्या चल रही है अभी इस फोन की? मार्केट वैल्यू इसकी 39 है सर। अच्छा अभी 3 मंथ ओल्ड है सर। अच्छा तो आपके पास एक्सेसरीज भी? एक्सेसरीज में ये कितने का पड़ेगा मेरे को? ये सर 138 है, वैसे ये मिलता है मार्केट में आपको 1599 का। हम इसको ऑफर में दे रहे हैं 999 का। 999 का। तो इन्होंने मेरी पब्लिक के लिए 3 गिव अवे निकाले हैं। जैसे मेरी वीडियो पे 1000 कमेंट हो जाते हैं तो 3 गिव अवे मैं कर दूंगा इनके साथ, ठीक है? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना। और हाँ, कैशेफाई की एप्लीकेशन भी है और इनकी वेबसाइट भी है जिससे सारी सर्विस अवेलेबल है। और भी एक बार मेरी पब्लिक को और बता दो क्या सर्विस अवेलेबल है कैशेफाई के ऊपर। सर कैशेफाई पे आप ऑनलाइन भी मतलब सेल कर सकते हो, परचेज भी कर सकते हो। कैशेफाई ऐप डाउनलोड करके आप घर से कस्टमर पिकअप मतलब डाल के वहां से आप सेल कर सकते हो और परचेज भी कर सकते हो। phonepro.in पे कोई भी फोन आपको लेना तो घर से ही आप फोन ले भी सकते हो, यहाँ से सेल भी कर सकते हो। तो गाइस मेरा फोन तो ठीक हो चुका है और जितनी भी मैंने डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अगर आप मेरे रेफरेंस से आते हो तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा ना भैया, है ना? वो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो जाओ डिस्क्रिप्शन में एक बार झांक लेना, नजर मार लेना। तो फोन को लेके चलते हैं घर। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर आया था मैं घर और मैं मेरा एक प्यारा सा भाई भव्य है उसके फोन से शूट कर रहा हूँ फिलहाल। और ये रहा मेरा फोन, मेरे हाथ में फोन है देखो। और फिलहाल ये एकदम ओके हो गया है और मेरे को अच्छा खासा डिस्काउंट मिल गया है। और मैंने उन लोगों से बात करी है और आप लोगों के लिए भी मैंने कूपन कोड जनरेट कराया Akash 300 और Akash 500 जिसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप 10,000 तक का फोन लेते हैं, उससे नीचे तक का फोन लेते हैं तो आपको मिलेगा 300 रुपये डिस्काउंट। और 10,000 या उससे ऊपर का फोन लेते हैं तो आपको मिलेगा 500 रुपये डिस्काउंट। बस आपको मेरा कूपन कोड यूज करना है, ये आ रहा होगा मेरा कूपन कोड और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिया है। तो फोन मेरा एकदम ओके हो गया, कैशेफाई ने एकदम ओके कर दिया मेरे को। उसके साथ 3 महीने की वारंटी भी उन्होंने दी है। कुछ लोगों को पता नहीं होता कि वो लोग फोन भी रिपेयर करते हैं, वो लोग फोन वगैरह रिपेयर कर देते हैं, उनके पास एसेसरीज भी अवेलेबल होती है। कई बार हमें दूसरे प्लेस पे मिलते नहीं, बट अगर आप एसेसरीज भी कैशेफाई से ले सकते हो, अपना फोन रिपेयर करा सकते हो, अपना फोन बेच सकते हो। और हाँ, सेकंड जैसे मैंने आपको फोन दिखाया, इनके पास सेकंड हैंड फोन भी मिल जाते हैं अगर आप खरीदना चाहो तो। मेरा प्लान बन रहा था अगर मैं इनकेस अगर मैंने फ्यूचर में फोन लिया तो मैं उनसे ही फोन कॉन्टेक्ट करूंगा, उनसे ही फोन खरीदूंगा। और गाइज हाँ, थैंक यू सो मच, इतना सपोर्ट करते हो आप लोग, जैसे मैंने स्टोरी डाली थी। तो ये देखो मेरे फोन की हालत देखो क्या हो गई है, मतलब पूरी डिस्प्ले थोड़ी देर में पूरा बंद होने वाला है ये फोन। और अगर कोई वन प्लस में आया, अगर मेरी डिस्प्ले का जुगाड़ करवा सकता है तो प्लीज़ DM कर दो। ये स्टोरी भी मैं अभी किसी और के फ़ोन से बना रहा हूँ, सूरज भाई के फ़ोन से बना रहा हूँ। और मतलब पूरा ख़त्म हो गया फ़ोन, परेशान हो गया मैं, और ना मैसेज ना कॉल, अब कुछ नहीं कर पा रहा इस फ़ोन से मैं। यार मेरे फ़ोन में दिक्कत आ गई, कोई हेल्प कर सकते हो? इतने सारे लोग हेल्प के लिए आए और तुरंत ही मेरे को, फिर मेरे को किसी ने बताया कि कैशेफाई पे आप एक बार ट्राई करो, वहाँ पे अच्छा रेट्स मिल जाएगा। मेरे को अच्छे रेट्स मिले कैशेफाई पे और मैंने आपका भी जुगाड़ करवा दिया है। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लिया करो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन बाय।